हेलो एवरीवन, मैं अनूप सर फिर आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? ठीक है, जब कोई नया पार्टनर नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसको प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से ख़रीदना पड़ता है, शेयर ओल्ड पार्टनर से ख़रीदना पड़ता है, जिसके लिए उसको जो पे करता है उसको गुडविल बोला जाता है, जिसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। ठीक है, अब गुडविल निकालने का दो मेथड है। ठीक है, एक प्रीमियम मेथड और एक है रिवैल्यूएशन मेथड। तो प्रीमियम मेथड ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो आज आप लोग को इसका जर्नल एंट्री बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेसन में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आप लोग देखिए इसको एक बार ध्यान। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब गुडविल नया पार्टनर के द्वारा कैश में लाया जाएगा। ठीक है, जब नया पार्टनर गुडविल को किस में लाएगा? बाय कैश। लिख भी देते हैं टॉपिक, फर्स्ट व्हेन गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर brings goodwill in cash। जब नया पार्टनर goodwill को किस में लाता है? कैश में। ठीक है, तो देखिए जरा एंट्री। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और सेकेंड एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं कौन पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? सेक्रीफाइस रेशियो में। फिर से एक बार समझ जाइए कि जब न्यू पार्टनर गुडविल को क्या लाता है? कैश में। तो हम लोग दो जर्नल एंट्री करेंगे, एक लाने का, दूसरा ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, सेकेंड व्हेन न्यू पार्टनर, ठीक है, व्हेन new partner doesn't bring goodwill in cash, अगर cash में नहीं लाएगा। ठीक है, अगर cash में नहीं लाएगा तो मान लेते हैं सी है न्यू पार्टनर, तो सी करंट अकाउंट या सी कैपिटल अकाउंट, दोनों सही है, जो लिखना है एक लिखना है। टू ए और बी, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इसको भी किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। थर्ड नंबर, व्हेन गुडविल विथड्रॉन बाय न्यू ओल्ड पार्टनर। जब मान लो गुडविल जो आ रहा है ओल्ड पार्टनर के द्वारा निकाल लिया गया, तो देखिए लाने का तो ये दो एंट्री होगा, निकालने का जो रहेगा तब एक दो तीन एंट्री होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैपिटल लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक,
उसके बाद थर्ड है हम लोग का, अगर ओल्ड फर्म में पहले से गुडविल है तो उसको ए और बी क्या करेगा, आपस में ओल्ड रेशियो में बांट के उस गुडविल अकाउंट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ओल्ड गुडविल इन ओल्ड फर्म बुक, इसको ओल्ड रेशियो में बांटेगा। एंट्री होगा ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर माने हम टू, नाम अगर आप लोग का अलग रहेगा तो अलग लिखेंगे, ठीक है। इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो आप लोग को गुडविल हमको आशा करते हैं अच्छा समझ में आ गया होगा कि चार कंडीशन है, या तो गुडविल कैश में लाएगा, या तो कैश में नहीं लाएगा, ओल्ड पार्टनर के द्वारा गुडविल निकाल लिया जाएगा, या पहले से अगर फर्म में गुडविल है तो एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अपीयर्ड इन ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा। और एक बात और, अगर अभी तक आप अगर मेरा फर्स्ट यूजर है, अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।